हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हमने जनरल के थ्री जो सम्स हैं वो कंप्लीट किए हैं। आज हम ट्रांजैक्शंस फॉर गुड्स एंड असेट्स वो कैसे होते हैं वो देखने वाले हैं। इन द दिस क्लासिफिकेशन टू टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आर इंक्लूडेड। फर्स्ट है गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, सेकंड है असेट्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन। And for both these types of transactions, rule is the same. Debit what comes in and credit what goes out. एक ही rule है, debit what comes in and credit what goes out. So first है goods related transaction के goods के जो transaction होते हैं तब कैसे हम आगे process करते हैं, journal entry कैसे करते हैं। The basic objective of business activity is to earn profit from purchase and sell. Whatever commodities are traded by businessmen, that respective commodity is goods of business. Example देखें तो cloth is goods for cloth merchant. Cloth merchant के लिए goods क्या है, तो cloth है। Goods comes in, the businessman purchases goods. Thus, as per the rule, debit what comes in and credit what goes out, goods account is debited. हम जब purchase करते हैं तब good account debit होता है, वो हमको पता है। Due to day-to-day business, day-to-day purchase of goods, purchase account is debited instead of debiting goods account. और जब अभी day-to-day purchase में क्या होता है कि purchase account debit होता है। When purchased goods is defective, not as per the sample or inferior quality, in this case goods will be returned back to supplier from whom goods is purchased. Goods हम अब return कर देते हैं। Thus, as per the rule, credit what comes and हमको credit क्या करना है, credit what goes out. Goods account will be credited, purchase return account is credited in the books of account. गुड्स गो आउट व्हेन बिजनेसमैन सेल्स गुड, जब बिजनेसमैन सेल करता है गुड्स बिजनेस में से जा रहे हैं तब गुड्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। ड्यू टू डे टू डे सेल्स ऑफ गुड्स, सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड इंस्टेड ऑफ क्रेडिटिंग गुड्स अकाउंट, और हम इसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट करते हैं। गुड्स सोल्ड बाय बिजनेसमैन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, नॉट एज पर द सेम सैम्पल और इन्फीरियर क्वालिटी, इन सच सर्कमटेंसेज कस्टमर रिटर्न द गुड्स टू बिजनेसमैन। जब कस्टमर बिजनेस को बेचा हुआ गुड रिटर्न करता है, हमने जब बेचा हुआ गुड रिटर्न किया है, हम रिटर्न आता है हमारे पास, तो गुड्स हमारे पास आ रहा है तो गुड्स अकाउंट विल बी डेबिटेड। गुड्स कमिंग बैक इन दिस फॉर्म इज डेबिटेड टू सेल्स रिटर्न अकाउंट। परचेज रिटर्न है तो डेबिट क्रेडिट होगा परचेज रिटर्न अकाउंट का, और जब सेल्स रिटर्न है तब वो डेबिट होगा। अंडर ऑल सच सर्कमटेंसेज अ स्पेसिफिक नेम इज गिवन टू द रिस्पेक्टिव गुड्स अकाउंट, लाइक परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट। हमने जो गुड्स का जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया। अब है असेट्स रिलेटेड टू ट्रांजेक्शंस। असेट के क्या हमको जर्नल एंट्री करनी है, तो फंड्स आर अरेंज टू कमेंस बिजनेस और फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। These funds are invested in tangible or intangible items. Items for which these funds are invested are known as assets. A study pertaining to different types of assets is undertaken in chapter number 1. As per the rule of accounting, debit assets account when it comes in and credit it when goes out. Asset ko kya karna hai ke debit karna hai jab business mein aati hai aur credit karna hai jab business mein se असेट जा रही है। इन दिस केस लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट्स आर इंक्लूडेड। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच असेट्स, डॉक्यूमेंट एक्सपेंस, एडवोकेट फीस, स्टैंप ड्यूटी, ब्रोकरेज एक्सपेंस आर टू बी पेड। हम जब असेट परचेस करते हैं तब हमको बहुत सारे एक्सपेंसेस भी पे करने पड़ते हैं, तो ये सारे एक्सपेंसेस भी डेबिट इसमें हमको करने पड़ते हैं। When assets is purchased for business, as per the rule of debit what comes in and respective asset account will
be debited and when asset is sold from business as per the rule of credit what goes out respective asset account will be credited. जब बिजनेस में असेट आती है तब असेट अकाउंट डेबिट होता है और जब बिजनेस में से असेट जा रही है तब असेट अकाउंट क्रेडिट होता है. तो हम जब जर्नल एंट्री देखेंगे इसके एग्जांपल देखेंगे तब हमको ज़्यादा आइडिया आएगा. पास जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑफ गोकुल ट्रेडर्स. 2014 के अप्रैल के ट्रांजेक्शन्स हैं. सबसे पहले हमको हेडिंग लगाना है टेबल बना के जर्नल एंट्री फॉर द जर्नल एंट्री ऑफ गोकुल ट्रेडर्स. गोकुल ट्रेडर्स की जर्नल एंट्री है इसमें डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो नंबर डेबिट एंड क्रेडिट इस तरह से पांच कॉलम बनानी है. और अप्रैल 1 का जो ट्रांजेक्शन है वो सबसे पहले फर्स्ट है कि ब्रॉड कैश ऑफ रुपीज़ 10,000 स्टॉक 10,000 फर्नीचर 5,000 एंड कमेंस बिजनेस. बिजनेस कमेंस किया है इस इतने कैश है फर्नीचर है और स्टॉक है इस इतने में से बिजनेस कमेंस किया है तो जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000 फर्नीचर अकाउंट डेबिट 5,000 एंड टू कैपिटल क्योंकि ये सारी बिजनेस की कैपिटल है टोटल विल बी 25,000 बींग कैश ऑफ रुपीज़ 10,000 उसमें हमको नरेशन में लिखना है कंपलसरी नरेशन का भी मार्क्स है स्टॉक ऑफ रुपीज़ 10,000 एंड फर्नीचर ऑफ रुपीज़ 5,000 ब्रॉड एंड कमेंट्स द बिजनेस. ये जब हम लिख लेते हैं तब हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है ब्लैक कलर की यहाँ पे की गई है ऐसी हमको लाइन ड्रॉ करनी है. सेकेंड ट्रांजेक्शन थर्ड डेट को हुआ है गुड्स परचेज ऑफ रुपीज़ 5,000 फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स. गुड्स परचेज किए हैं बिजनेस में गुड्स आ रहे हैं तो परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड परचेज अकाउंट डेबिट 5,000 एंड मथुरा ट्रेडर्स 5,000. नरेशन है बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 5,000 परचेज फ्रॉम मथुरा ट्रेडर्स ऑन क्रेडिट. उसके बाद है फोर्थ डेट को गुड्स सोल्ड फॉर कैश. कैश से सोल्ड किया है तो हमारे पास कैश आएंगी हमने गुड्स सेल करेंगे तो हमारे पास कैश आएंगी तो कैश आएगी तो कैश डेबिट कैश अकाउंट डेबिट 4,000 एंड सेल्स अकाउंट 4,000. उसके बाद है सिक्स्थ को गुड्स परचेज फ्रॉम रूसी के फॉर रुपीज़ 8,000 एंड पेड ऑफ हाफ अमाउंट इन कैश. हाफ अमाउंट है वो कैश में पे की है तो परचेस अकाउंट डेबिट क्योंकि गुड्स आए हैं बिजनेस में 8,000 टू कैश अकाउंट कितने 4,000 एंड रूसी कैश अकाउंट क्योंकि 4,000 के जो गुड्स हैं वो हमने क्रेडिट पे लिए हैं तो 4,000 विल बी क्रेडिटेड. बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 8,000 परचेज फ्रॉम ऋषिकेश एंड पेड हाफ अमाउंट इन कैश. उसके बाद है नाइन्थ डेट सेवेंथ को ट्रांजेक्शन हुआ है गुड्स ऑफ रुपीज़ 1,600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स को जो गुड्स है वो रिटर्न किए हमने क्योंकि हमने उससे परचेस किए थे तो मथुरा ट्रेडर्स अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न क्रेडिट होता है तो परचेस रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. तो 1,600 बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 1,600 रिटर्न टू मथुरा ट्रेडर्स. उसके बाद है नाइन्थ डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है गुड्स ऑफ रुपीज़ 6,000 गिवन टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में हम जब रुपीज़ देते हैं तब वो हमारा डोनेशन होता है तब वो डोनेशन बनता है सो द जर्नल एंट्री विल बी डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट क्रेडिट. बीइंग गुड्स ऑफ रुपीज़ 600 गिवन फॉर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड सो डोनेशन अकाउंट 600 एंड परचेज अकाउंट 600. उसके बाद है टेंथ डेट को इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेज फॉर रुपीज़ 450. तो इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन परचेज फॉर रुपीज़ 450 तो डेट स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. डेट हमने डेट स्टॉक खरीदा है तो 450 उसमें डेबिट होंगे न कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. उसके बाद 15th डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है 100 शेयर्स ऑफ श्री
बर्सा लिमिटेड परचेज और एट ₹30 एट 2% ब्रोकरेज पे बोथ पेमेंट बाय चेक। अब शेयर्स ऑफ रुपीस बंसारा लिमिटेड अकाउंट रुपीस डेबिट, तो कितने 360। क्यों? क्योंकि 100 शेयर्स है, 30 रुपीस है, 100 × 30 विल बी 3000 एंड 2% ब्रोकरेज, तो 3000 के हमको 2% करने हैं तो ब्रोकरेज होगी 60 रुपीस। सो बंसारा लिमिटेड के अकाउंट का डेबिट करना है हमको एंड बैंक अकाउंट हमको क्रेडिट करना है क्योंकि हमने जो पेमेंट है वो चेक में किया है, बैंक से किया है, चेक से किया है, बैंक से किया है। उसके बाद 18th डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड्स फॉर ₹4000 से सोल्ड टू केदारनाथ, 4000 रुपीज़ के गुड्स हैं वो केदारनाथ को सेल किए हैं। यहाँ पे नाम है इसलिए वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, कैश इंक्लूड कैश यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, सो ये डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं है, डेबिट ट्रांजैक्शन है, कैश होता है तो हमको कैश ट्रांजैक्शन होता है। उसके बाद उसके जर्नल एंट्री केदारनाथ टू सेल्स। उसके बाद 23rd को ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर, सो जर्नल एंट्री विल बी गुड्स ऑन गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर अकाउंट 1500, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर कितना 1500 एंड टू परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा बीइंग गुड्स ऑफ ₹1500 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। उसके बाद है 22nd को ट्रांजैक्शन हुआ है कि हाफ ऑफ द गुड्स रिटर्न बैक टू फ्रॉम केदारनाथ, तो केदारनाथ से हमने 4000 के गुड्स परचेस किए हैं और उससे हमने हाफ गुड्स हैं वो रिटर्न कर दिए, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 2000 टू केदारनाथ 2000 बीइंग गुड्स ऑफ ₹2000 रिटर्न बाय केदारनाथ। उसके बाद है ड्रॉइंग्स अकाउंट, 25th डेट को ट्रांजैक्शन हुआ है, गुड्स ऑफ ₹500 विथड्रॉन फ्रॉम पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ की जब बात आती है तब कौन सा अकाउंट आता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होता है, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट एंड परचेज अकाउंट क्रेडिट क्योंकि बिजनेस में से गुड्स हैं वो जा रहे हैं। उसके बाद 28th को ट्रांजैक्शन है, फर्नीचर ₹3000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट, तो फर्नीचर परचेज किया है, गुड्स बिजनेस में आ रहे, एसेट बिजनेस में आ रही है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बंसीधर फर्नीचर मार्ट अकाउंट क्रेडिट 3000 बीइंग फर्नीचर ऑफ ₹3000 परचेज फ्रॉम बंसीधर फर्नीचर मार्ट। उसके बाद 13th को ट्रांजैक्शन हुआ है, आफ्टर एंडिंग 20% ऑफ गुड्स ₹1000 सोल्ड टू चांदनी कैरेजेस ऑफ ₹50 पेड ऑन हर बिहाफ, तो चांदनी का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि हमने चांदनी को सेल किया है, चांदनी का अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1250 रुपीज़ कैश हमने जो है वो पे किए हैं, सो कैश अकाउंट हमने पे किए हैं चांदनी के बिहाफ में, तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, सो बीइंग गुड्स ऑफ ₹1000 सोल्ड टू चांदनी आफ्टर एडिंग 20% प्रॉफिट एंड पेड कैरेज फॉर 50 ऑन हर, हमने चांदनी के बिहाफ में कैश पे किए हैं, सो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है और 50 रुपीज़ हमने कैश अकाउंट में क्रेडिट किए हैं। फिर ये सब ट्रांजेक्शन ख़त्म हो जाए तब हमको ट्रांजेक्शन्स का टोटल करना है, तो टोटल इसमें आया 59,460, फिर टोटल के नीचे दो लाइन करनी है, सो पता चले कि सब कंप्लीट हुआ है, हमने चांदनी के बिहाफ जो है वो कैश पे की है इसलिए हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है बिजनेस का, सो 50 रुपीज़ कैश अकाउंट में जाएंगे, क्रेडिट होंगे और अब ये सब कंप्लीट हो गया है तो हम उसका टोटल करेंगे दोनों साइड का और नीचे टू लाइंस करेंगे और आपको यही सब होम असाइनमेंट में फिर से करना है। थैंक यू।